विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वावधान में 13 सूत्रीय मांगों को लेकर मोहतीपुर स्थित अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया, जिसके संबंध में संघर्ष समिति के संयोजक ऐश्वर्य सिंह ने बताया कि एक महीना पहले हम लोगों ने शासन को अपना मांग पत्र सौंपा था, जिसको देखते हुए हम सभी विद्युत कर्मी 5 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। समस्त बिजली कर्मियों को पिछले कई वर्षों से लंबित बोनस का भुगतान किया जाए, सभी श्रेणी के बिजली कर्मचारियों एवं अभियंताओं की वेतन विसंगतियां दूर किया जाए, केंद्र के सार्वजनिक उपक्रमों की भांति उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभागों में बिजली कर्मचारियों अभियंताओं के समस्त भत्तों का पुनरीक्षण सहित कुल 13 मांगों को पूरा किया जाए। इस बीच मिली जानकारी के अनुसार पिछले 5 दिनों से कर्मचारियों की जारी हड़ताल को देखते हुए लखनऊ में विभागीय मंत्री अरविंद कुमार शर्मा और विद्युत विभाग के कर्मचारी नेताओं की बैठक हुई, जिसमें विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के मांगों पर शासन द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के आश्वासन का दिए जाने पर बिजली कर्मचारियों ने स्ट्राइक को 15 दिनों तक स्थगित करने का फैसला लिया। बैठक में सीएम योगी के सलाहकार अवनीश अवस्थी भी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक ऐश्वर्य सिंह ने कहा, शायद हमारी बात आज मान लेगी, तो इस नाते ये हम विश्वास और भरोसा दिलाते हैं कि अपने शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा करें, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से भी कुछ न कुछ इनके अच्छे रिश्ते रहे, और हमारे ये संगठन के प्रखर वक्ता भी हैं, तो हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय कृष्ण मोहन यादव, ऐश्वर्य सिंह संयोजक संघर्ष समिति। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? देखिए, आज ये संघर्ष समिति का 5वां दिन का हमारा प्रदर्शन है। हम लोग अभी कार्य बहिष्कार पे हैं। बहुत पहले ही एक 13 सूत्री मांग की नोटिस दी गई थी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के प्रबंधन को, जो कि यह 26 अक्टूबर को दी गई थी। आज एक महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन उस नोटिस पे कोई भी सार्थक वार्ता आज तक उत्तर प्रदेश प्रबंधन द्वारा नहीं की गई। बहुत सी हमारी इसमें मुख्य मांगें हैं, उसमें हमारी चीज़ें हैं कि हमारी LMV 10 वाली जो योजना पहले थी उसको वापस किया जाए, पेमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो हमारे भत्ते हैं उसको लेकर के चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों को, जो भी सार्थक हमारी जायज़ मांगें हैं, उन पर कभी भी प्रबंधन ने कोई भी सार्थक कदम नहीं उठाया, इसके चलते हमारा आज 5वां दिन का कार्य बहिष्कार है। मुख्य मांगे हैं कि हमारा जो LMV 10 है, जो हम लोग को सुविधा मिलती थी, जिसके लिए हमारी हर महीने से सैलरी से पहले ही पैसा कट भी जाता है, उसको सरकार खत्म करने का आदेश लगाइए। उत्तर प्रदेश प्रबंधन, पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन ने खत्म करने का आदेश किया है, जिसके हम सरासर विरोध में हैं, क्योंकि हमको ये एक हक मिला हुआ है उत्तर प्रदेश, हमारे बोर्ड से UPSEB था, उससे एक हक मिला हुआ है कि हम लोग को जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी का हमारा पेमेंट होता है वो सैलरी से पहले ही कट जाता है, तो इसको किया जाए वापस। जो हमारी टाइम स्केल है 9 ईयर्स, 14 ईयर्स, 19 ईयर्स, उसको वापस किया जाए, और जो एक स्वेच्छाचारी और एक नकारात्मक माहौल है पूरे उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में, उसको वापस किया जाए। वो हमारा प्रबंधन एक स्वेच्छाचारी रवैया अपना करके सब पे उत्पीड़नात्मक कार्रवाई करने पे आमदा है, इसके हम लोग एकदम विरोध में हैं। हमारा यही माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इसमें हस्तक्षेप करके हमारी मांगों को, जो भी जायज़ मांगें उसको पूरा किया जाए, और उच्च प्रबंधन जो है, जो कि स्वेच्छाचारी रवैया अपनाया है, उसको रोका जाए।